नमस्ते दोस्तों, मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको मूली घेवड़ा से पराठा बनाना आपको बताएंगे। तो उसके लिए हमने 2 कटोरी आटा ले लिया है, घेवड़ा को हमने छील के धो लिया है, धनिया पत्ता, मूली को हमने कद्दूकस कर लिया है 2 मूली को, स्वाद अनुसार नमक हल्दी और हरा मिर्चा 4 ले लिए हैं। पहले हम गैस जला कर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देते हैं और इसे हम काट लेते हैं। इसे हम बिना तेल को इसको हम उबालेंगे। अब इसमें हम घेवड़ा को डाल देते हैं, बिना तेल का है। उसके बाद मूली डाल देते हैं। अब इसे हम ढक देंगे, फ्लेम कम करके इसे हम ढक देते हैं। घेवड़ा और मूली एकदम गल गया है और इसमें नमक हल्दी और मिर्चा हम डाल देते हैं। गैस बंद कर देते हैं। अब इसे ठंडा कर लेते हैं। घेवड़ा मूली ठंडा हो गया है। अब इसे हम इसमें मिला देते हैं आटा में। और इसे मिलाकर अच्छी तरह से इसे हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। और इसमें धनिया पत्ता, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के आटा का डो तैयार हो गया है। अब इसे हम तवा भी गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब इसे गोल करके लोई लेंगे, गोल करेंगे और इसे सूखा आटा से इसे हम लपेट कर बेलेंगे। इसमें थोड़ा घी डाल देते हैं। इसे घी डाल देते हैं। ये बहुत हेल्दी पराठा हुआ। इसे आप लोग भी बनाकर खाइए, बहुत टेस्टी भी होता है। कोई इसमें मसाला की जरूरत नहीं होता है। इसी तरह करारा करके पराठा निकाला जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है।
इसी तरह कर हम पूरा पराठा को निकाल लेंगे। पराठा बनकर तैयार हुआ, एक घिवड़ा मूली वाली पराठा, एकदम लाजवाब और खाने में मस्ती आएगा। इसे आप लोग भी एक बार बनाकर खाइए और इस तरीके को अपनाइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।